Welcome to Talent Connected Worldwide, a CICC authorized immigration company. In today's video, we will discuss the importance of language test scores for Canada PR, study visa and work visas. कनाडा में ज्यादातर लोग इंग्लिश या फ्रेंच बोलते हैं और इसीलिए ये दोनों यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं। अगर आपको कनाडा में रहना, पढ़ना या काम करना है तो आपका इंग्लिश या फ्रेंच आना सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों से आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो एक नए देश में सर्वाइव कैसे करेंगे। इसीलिए IRCC प्रेफर करता है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वर्कर्स या परमानेंट रेसिडेंट्स कनाडा में आए उन्हें इंग्लिश या फ्रेंच आती ही हो। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश और फ्रेंच आर कंसिडर्ड एसेंशियल टू एक्सेल इन कनेडियन एकेडेमिया, वर्कफोर्स एंड फॉर अडैप्टिंग टू कनेडियन लाइफ एंड कल्चर। इंग्लिश के लिए IRCC 3 टेस्ट एक्सेप्ट करता है, IELTS जनरल विच स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, CELPIP विच इज कनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम, एंड PTE कोर और पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप TCF या फिर TEF में से कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। Canada converts your language test scores into the Canadian language benchmark or CLB in case of English proficiency test. अगर आपने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए टेस्ट दिया है तो वो NCLC में कन्वर्ट किया जाएगा। आपको अपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का ट्राई करना चाहिए। जितना ज्यादा आपका स्कोर होगा उतना ही आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाउएवर, इन मोस्ट केसेस आपको अपने लैंग्वेज टेस्ट में एटलीस्ट CLB और NCLC 4 तो स्कोर करना ही होगा। स्कोरिंग लेस देन CLB और NCLC 4 माइट मेक यू इनएलिजिबल टू बी इन कनाडा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका लैंग्वेज टेस्ट स्कोर 2 साल से ज्यादा पुराना है आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं। A high score in your language test is more important today than it was before. According to the latest changes effective from 1st November, you need to score CLB or NCLC 7 to get a postgraduate work permit and work in Canada after completing a university degree from the country. अगर आप Canada के college से graduate हैं, तो भी आपको PGWP के लिए at least CLB और NCLC 5 तो score करना ही होगा. If you are applying for Canada PR through Express Entry, getting a good score in your language test is very important. आप language test में जितना ज्यादा high score लाएंगे, आपके CRS score उतना ही improve होगा. Candidates who take the test for both English and French and get a high CLB will have an edge over the candidates who take the test for just one language. You can score as much as 160 points for language proficiency if you get a high score in your test. अगर आप कनाडा में पढ़ना चाहते हो, तो भी language test score करना बहुत ही crucial है. Most universities will ask for a test score as an eligibility factor. The better you score, the better your chances of getting into your dream Canadian university. अब कनाडा में वीजा मिलना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि IRCC कैंडिडेट्स को लेके बहुत सेलेक्टिव हो गया है। ऐसे में हाई लैंग्वेज टेस्ट स्कोर आपके वीजा सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है। हाई लैंग्वेज टेस्ट स्कोर एक ऐसा फैक्टर है जो कि कम्प्लीटली आपके कंट्रोल में है। टाइमली प्रैक्टिस से आप आराम से IELTS, CELPIP या फिर PTE कोर में बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हैं। इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट में अपना बेस्ट स्कोर लाना चाहते हैं? सिक्योर इट विद टैलेंट कनेक्टेड वर्ल्डवाइड। We are popular for getting our clients Canada work, study and PR visas through a high language proficiency score. Do not wait. Schedule a video call with us now. Thank you for watching.